आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। सवाल में दिया है, द कंबशन एंथैल्पीज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड इथाइन आर -393.5 किलो जूल पर मोल, -25.8 किलो जूल पर मोल एंड -1309.5 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन एट दिस टेम्परेचर इज। यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया है डेल्टा एच सी नॉट, यानी हीट स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन दिया है, हीट ऑफ कंबशन दिए हैं ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड इथाइन, और हमें बताना है डेल्टा एच एफ नॉट यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, हेस लॉ बेस्ड है। तो अब देखा जाए तो हम इनकी रिएक्शंस लिखें पहले कंबशन की। तो कार्बन की कंबशन की रिएक्शन क्या होगी, कार्बन प्लस ओ टू दिस केस सीओ टू। हाइड्रोजन की कंबशन की होगी हाइड्रोजन प्लस हाफ ओ टू दिस गिव्स वन एच टू। और इथाइन की कंबशन की होगी सी टू एच टू प्लस ओ टू, अभी इसका नंबर नहीं लिख रहे हैं, टू सी ओ टू प्लस वन एच टू यानी कि 5/2 O2 करेक्ट है। अब हमें इन सब की डेल्टा या इसकी क्या बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता है, या डेल्टा इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही क्या होगी, हीट ऑफ कंबस्टन इनकी पता है हमें इन सब की, करेक्ट है। हमें क्या निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है इसका। तो हीट ऑफ जो C2H2 है इथाइन, उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी वो लिखनी पड़ेगी हमें पहले। तो हम अपनी टारगेट इक्वेशन एक लिख लेते हैं जो कि है 2 carbon + H2 दिस गिव्स C2H2, 2 carbon solid + H2 gas दिस गिव्स C2H2 gas। तो ये है हमारी टारगेट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अगर हमारी अपनी इक्वेशन लिख लें, इसको मान लें 1, इसे मान लें 2 और इसे मान लें 3, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को यूज करके हमें अपनी टारगेट इक्वेशन तक पहुंचना है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेल्टा एच होता है इंथैल्पी में, वो एक पाथ जो होता है हमारा, एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है जिसकी वजह से हम दो इक्वेशंस को जो है उन्हें सीधे ऐड करके तीसरी इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, और उनके ऐसा करने पर उनके डेल्टा एच की वैल्यूज भी ऐड हो जाती हैं। तीसरी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये मास और मोल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम रिएक्शन से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू से भी कर सकते हैं। तो ये दो फैक्ट्स की वजह से हम इसमें हेस लॉ लगा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम इन तीन इक्वेशन से अपनी टारगेट इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो अब देखा जाए तो इधर C2H2 इस साइड है, हमें इधर लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी -3। अब उसका ऐसा करने से क्या होगा, अब चलिए नीचे लिखना भी चालू कर देते हैं इस बात के साथ। ऐसा करने से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2CO2 + H2O दिस गिव्स C2H2 + 5O2 5/2O2। अब साथ में क्या दिया है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है और H2O भी दिया है, तो हमें जितने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इधर हैं उसके ऑपोजिट साइड लिख के हमें काट देना है। तो कार्बन प्लस ओ टू दिस गिव्स 1CO2, लेकिन यहाँ पर कितने थे 2, तो हमें इक्वेशन नंबर वन में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है माइनस टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3, यानी 2 टाइम्स इसका कर दिया, और फाइनली ऐड करनी है इक्वेशन नंबर 2, 2 होगी H2 + 1/2O2 = H2O। अब देखिए एक H2O था, एक H2O इस साइड कट गया, 2 CO2 था, 2 CO2 इस साइड कट गया, और टोटल 2O2 + 1O2, तो 2 + 1/2 तो 2 + 1/2 क्या होता है 5/2। तो ये जब ऐड होंगे फाइनली तो ये और ये मिलके ये कट जाएगा, तो जो फाइनली ऐड ऑन करके इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2C + H2 = C2H2। यानी हमें अपनी टारगेट इक्वेशन मिल गई है,
और टारगेट इक्वेशन करने के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या क्या किया उसे हम लोग लिख लें। तो वो किया हमने, 3 का रिवर्स किया यानी -3 प्लस 2 टाइम्स 2 इक्वेशन नंबर 2 को ये प्लस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐड करी यानी 3 को उल्टा किया है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 सीधे जोड़ दी। तो अब इनके डेल्टा एच सी नॉट पे भी वही चेंजेस आएंगे, तो इनके अब डेल्टा एच सी की वैल्यू लिखते जाएं। तो डेल्टा एच सी नॉट फॉर इक्वेशन नंबर 1 वाज कार्बन के लिए था -393.5 किलो जूल, -393.5 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर जो 2 है वो है -285.8 किलो जूल पर मोल। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए डेल्टा एच सी नॉट वैल्यू हुई -280, लिख लेता हूं मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। और फाइनल जो हमारी इथाइन के कंबशन की रिएक्शन थी उसके लिए था -1309.5। तो ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए है -1309.5 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन नंबर 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है। तो हमें ये वाला जो सेट है ये इस पे लगा देना है और हमें अपना जो टारगेट इक्वेशन है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन वो भी मिल जाएगी हमें। तो हीट ऑफ अभी हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन ही मानेंगे इसे, अभी बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी आगे। तो 3 का रिवर्स यानी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -1309.5 प्लस 2 टाइम्स -393.5 -285.8, ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग हमें वैल्यू आएगी प्लस 236.7 किलो जूल पर मोल। यानी ये हमारी हीट ऑफ रिएक्शन आई किस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की, या इसे नाम दे दे रिएक्शन नंबर 4। तो 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो आई प्लस 236.7 किलो जूल पर मोल। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हाइल फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। तो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से ही मतलब जिस स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो कार्बन सॉलिड इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो C2H2 हमारी 1 मोल बन रही है यानी 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वही इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल इथाइन या C2H2 इज प्लस 236.7 किलो जूल पर मोल। तो करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए हो गया ए पार्ट, क्योंकि ए पार्ट इज द क्लोजेस्ट आंसर, एग्जैक्ट तो नहीं मिला लेकिन ए पार्ट इज द क्लोजेस्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया ए पार्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।